हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। और आज हमारा टॉपिक होगा बैटरीज और कंबशन सेट। बैटरीज और कंबशन सेट, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है बैटरीज या फिर कंबशन सेल्स, ये क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी। द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इन कनेक्टिंग इन सीरीज इज नोन एज बैटरीज। यानी कि क्या कह रहा है कि जो सेल होते हैं उनकी एक अरेंजमेंट होती है, किस तरह की अरेंजमेंट होती है उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर दें। सपोज करो ये हमारे क्या है सेल्स और ये क्या है, इसको हम क्या सीरीज में इनको कनेक्ट कर दें। कैसे, ये सीरीज क्या होती है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, और यहाँ पर क्या इसका पॉजिटिव यहाँ इसका नेगेटिव। इस तरह से अगर हम क्या है सेल को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाती है भाई बैटरी बन जाती है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसकी वोल्टेज कितनी 1.5 वोल्ट, इसकी भी क्या 1.5 वोल्ट, इसकी भी क्या 1.5 वोल्ट, तो ये क्या होगी टोटल वोल्टेज क्या होगी यहाँ पर 4.5 वोल्ट। तो इस तरह से क्या है क्या बन जाएगी बैटरी। जनरली क्या होता है गैल्वेनिक सेल इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो गैल्वेनिक सेल होता है वो क्या है इलेक्ट्रिसिटी का एक सोर्स है, अच्छा सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का। बट क्या है फिर भी क्या है उसको हम क्या कॉमर्शियली यूज नहीं करते, वो कॉमर्शियली यूज करने के योग्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी कुछ डिसएडवांटेज है। कौन कौन सी डिसएडवांटेज है, फर्स्ट क्या है क्या डिसएडवांटेज है, क्यों, क्योंकि हम क्या है गैल्वेनिक सेल को ऐसे बैटरी यूज कॉमर्शियल बैटरी यूज क्यों नहीं करते, ड्यू टू सोल्ट ब्रिज। आप सभी जानते हैं सोल्ट ब्रिज होता है, उसके अंदर सोल्ट ब्रिज होने से क्या होगा हाई रेजिस्टेंस हो जाता है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है हाई रेजिस्टेंस। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा ड्रॉप ऑफ वोल्टेज, यानी कि हमारी वोल्टेज क्या है वो एकदम से गिर जाती है, ड्रॉप हो जाती है, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है यहाँ पर। सेकेंड क्या है इसकी डिसएडवांटेज कि हम क्या है गैल्वेनिक सेल को एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज क्यों नहीं करते। सेकेंड क्या होगा इसका लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट इज यूज, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है। और थर्ड क्या होगा लेक ऑफ कॉम्पैक्टनेस, कॉम्पैक्ट नहीं होता भी, अलग अलग वैसे होते हैं उसके अंदर अलग अलग होते हैं, यानी कि एक क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म नहीं होती, उसको क्या है सीरीज में कनेक्ट करना या फिर उसकी बैटरी बनाना क्या है थोड़ी डिफिकल्टी होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट करते हैं टाइप्स ऑफ बैटरीज या फिर टाइप्स ऑफ कंबशन सेल।
कितने थ्री मेन तीन मेन टाइप्स होते हुए इसके पोजिशन सेल। तो नेक्स्ट हमारा होगा मेन टाइप्स ऑफ कमर्शियल सेल। कमर्शियल सेल की क्या है तीन मेन टाइप में, फर्स्ट कौन सा प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल जो होते हैं जो एक बार यूज होने के बाद क्या है दोबारा से हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि नॉन रिचार्जेबल होते हैं। कौन से होते हैं नॉन रिचार्जेबल, नॉन रिचार्जेबल होते हैं, दोबारा से चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किए और वो क्या है फिनिश। और क्या है गाइड्स मैं ये आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स क्या है जो सेल होते हैं यहाँ हम उनसे क्या ले रहे हैं केमिकल एनर्जी से, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं। तो इसके क्या है दो टाइप्स हुई प्राइमरी सेल के, दो टाइप में भी फर्स्ट क्या है ड्राई सेल जो हमारे सिलेबस में है एग्जांपल्स, और क्या सेकंड क्या है मर्करी सेल। ड्राई सेल्स वो होते हैं जो हम क्या है जनरली हमारे क्या वॉल क्लॉक में रिमोट में और रेडियो में हम यूज करते हैं, तो वो क्या ड्राई सेल होते हैं। और मर्करी सेल कौन से होते हैं जो कैलकुलेटर में जो छोटे वाले होते हैं वो छोटे कैलकुलेटर्स में, और क्या है रिस्ट वॉच होती है जो वहां पर यूज होते हैं वो क्या मर्करी सेल। उसके बाद क्या है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं रिचार्जेबल होते हैं जिसको हम क्या है बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। इसमें क्या है इसमें इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी, फिर क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम क्या केमिकल एनर्जी के रूप में उसको दोबारा से स्टोर कर सकते हैं, ये क्या होता है रिचार्ज। इनको हम क्या रिचार्ज कर सकते हैं दोबारा से, यानी बार बार या फिर क्या रिचार्जेबल आप कह सकते हो। यहाँ पर इसके भी क्या है दो एग्जांपल हुए जो हमारे सिलेबस में, हम वो करेंगे जो हमारे सिलेबस में है। फर्स्ट कौन सा है लेड स्टोरेज सेल, स्टोरेज सेल, और सेकंड कौन सा है निकल कैडमियम सेल। यानी कि ये दो टाइप हमारे सिलेबस में है, कौन से लेड स्टोरेज सेल और क्या है निकल कैडमियम सेल, जो हम क्या है दोबारा से जिनको जो क्या है रिचार्जेबल, हम जिनको क्या बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप हमारी कौन सी है फ्यूल सेल, फ्यूल सेल में क्या है हमारा एक एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही हम करेंगे। फ्यूल सेल में क्या होता है जो फ्यूल सेल के फ्यूल इंधन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फ्यूल की कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी को हम क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस टाइप का क्या है एक ही सेल है हमारा जो एग्जांपल है इसमें सिलेबस में हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। तो स्टूडेंट्स हम क्या है हमने ये कर रहे हैं यानी कि प्राइमरी सेल नॉन रिचार्जेबल, सेकेंडरी सेल क्या है रिचार्जेबल यानी रिचार्ज अगेन एंड अगेन। उसके बाद क्या इनके दो दो एग्जांपल है यानी कि दो दो टाइप ड्राई सेल मर्करी सेल, उसके बाद क्या है लेड स्टोरेज सेल, और इसकी क्या है निकल कैडमियम सेल, और फ्यूल सेल का क्या है एक ही है जिसको फ्यूल इंधन होता है आपको पता है इसकी कंबशन से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या है इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या है
हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूज, राइट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक एक सेल को डिफाइन करेंगे अलग अलग। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ड्राई सेल। अब हम इनको एक एक को डिफाइन करेंगे। तो ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल मैं ये क्या है? ड्राई सेल एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है लैक्रिमेंज सेल की। लैक्रिमेंज नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं और उनकी क्या है, एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है, कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लैक्रिमेंज नाम के एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक सेल बनाया और क्या है, उसी की क्या कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो एक बार हम क्या उसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, किसमें बना होता है। जिंक कंटेनर, यहां बना लेते हैं इस साइड का, ये क्या है जिंक कंटेनर में बना होता है, जो किसका काम करता है, एनोड का काम। उसके बाद क्या है, बीच में ये एक अलग से पोर्शन होता है, और यहां पर क्या है ग्रेफाइट रोल होती है। ये क्या है ग्रेफाइट रोल होती है। ग्रेफाइट रोल, और इस ग्रेफाइट रोल के साथ साथ क्या है, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 प्लस कार्बन पाउडर, ये इसके चारों तरफ होता है। और जो ये यहां होता है ना, ये जो उसके ऊपर फिर ये बच गए अलग से जो पोर्शन बच गए, यहां पर होता है इस पोर्शन में, ये यहां भरा होता है पेस्ट को अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड ZnCl, राइट। ये कंटेनर होता है, यहां पर क्या होता है जिंक Zn, और ये किसका काम करता है, एनोड, ठीक है। यहां पर क्या होगा कैथोड, और ये वही ड्राई सेल है जो क्या है घड़ी में यूज होता है, जो क्या है हमारी घड़ी में यानी कि वॉल क्लॉक में और क्या है रेडियो में, जो रिमोट में जो वो सेल यूज होते हैं, ये वही ड्राई सेल है। तो यहां पर क्या है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन में आप क्या बताओगे भाई, क्या है जिंक कंटेनर होता है यहां पर, और क्या है ग्रेफाइट रोड का कैथोड होता है, और ये जिंक किसका काम करता है, एनोड का। और आपको यहां पर पता होगा गैल्वेनिक सेल में जैसे क्या है, जिस सेल से हम क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, जिससे लेते हैं, देने नहीं है, जिससे हम क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं, वहां पर एनोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इट इज कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म है, और क्या है ये ड्राई सेल है, लाइट इन वेट यानी कि बहुत हल्का है, ये आगे एडवांटेज में आ जाएगा। ये हमारी कंस्ट्रक्शन इसकी होगी, थोड़ा सा आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देना ये क्या है, ये जिंक कंटेनर में बना है और ये क्या है इसके बारे में। तो रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन क्या होगी भाई, रेडॉक्स रिएक्शन होगी। तो यहां लिखेंगे भाई रिएक्शन रिएक्शन सबसे पहले क्या लिखोगे एड एनोड, तो एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ही होगा, और एनोड पर है क्या
जिंक, तो जिंक का ऑक्सीडेशन होगा बहुत इजी है, जिंक का ऑक्सीडेशन करवा दो ZN2 plus 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 राइट। उसके बाद क्या है, एड कैथोड, कैथोड पे आपको पता रिडक्शन होगी, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रिडक्शन में क्या होगा, यहां पर क्या है, जो ये क्या है मैग्नीज ऑक्साइड, और इससे ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट जो काम कर रहा है, ये पेस्ट भरा है, ये किसने टूट जाएगा यहाँ पर NH4 पॉजिटिव और क्या है Cl नेगेटिव, तो ये NH4 यूज होगा और क्या है MnO2 यूज होगा, तो यहाँ पर क्या होगा MnO2 प्लस NH4 पॉजिटिव। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन तो होगा ही, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा Mn2O3 प्लस NH3 अमोनिया गैस प्लस H2 प्लस H2, ये रिएक्शन होगी। एक बार थोड़ी इसको बैलेंस कर लेते हैं, देखो यहां पर एक मैग्नीज है, यहां पर दो है, तो हम यहां पर 2 लगा देंगे, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे NH4, उसके बाद क्या यहां भी 2 और यहां भी 2, और ये क्या 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारे रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कहां पर होगी, कैथोड पर। तो यहां पर क्या होगा, रिडक्शन किसका हो रहा है, यहां पर क्या है मैग्नीज के ऊपर क्या आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो ये क्या है प्लस 4 चार्ज है, और यहां पर क्या है प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, और यहां से क्या है NH4 आए हैं, यहां से क्या एक हाइड्रोजन जाएगा, यानी कि एक हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या दो है, तो दो हाइड्रोजन चलेगा यहां से, और क्या है यहां पर अमोनिया गैस बच गई, और जो दो हाइड्रोजन है वो ये दो हाइड्रोजन ये है यहां पर, और यहां से क्या है ऑक्सीजन, यानी कि कितने ऑक्सीजन है 2 2 4, तो 3 तो यहां यूज हो गए और एक यहां वाटर मॉलिक्यूल बना लेगा। ये रिएक्शन इस तरह से होगी, और ये क्या है इसको हम कह देते हैं सेकेंड रिएक्शन राइट। सीधे सीधे हम लिखे तो क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पर क्या है जो Mn मैग्नीज है, ये क्या है 4 पॉजिटिव था, इसने क्या इलेक्ट्रॉन लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया Mn3 पॉजिटिव, Mn3, बट ये दो इलेक्ट्रॉन यूज करने हैं, तो हम इसको क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर, ये रिएक्शन अगर आयनिक रिएक्शन सीधी सीधी लिखोगे तो ये हो जाएगा ये रिएक्शन। उसके बाद क्या ओवरऑल रिएक्शन ये होगी कैथोड पर और एनोड पर ये होगी, अगर आपने ओवरऑल रिएक्शन लिखी है तो आप इसको ऐड कर दो, यानी कि ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी नेट रिएक्शन। कई बार क्या होता है अगर क्लोरीन आयन अगर यहां लगाओगे तो वहां पर क्या है 2Cl नेगेटिव आयंस निकल जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्सिबल नहीं होती, ये नहीं होता कि जो प्रोडक्ट आ गया वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, जो आयन बच गए वो बचे ही रहेंगे, और एट लास्ट क्या है ये क्या रिजॉल्व नहीं होगा। अगर रिवर्स हो जाते तो फिर क्या है, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाते तो फिर हमें प्रॉब्लम ही नहीं थी, तो ये फिर क्या सेकेंडरी सेल का काम करने लग जाता। इसकी डिसएडवांटेज यही है, यानी कि जो आयन बच गए वो क्या है यूज नहीं होंगे, यूज नहीं होते। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, इससे ये क्या इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, तो यहां पर क्या होगा Zn प्लस ये 2MnO2 प्लस ये होगा 2NH4 पॉजिटिव। अब क्या उस साइड वाले लो, क्या बनेगा Zn2 पॉजिटिव, और उसके बाद क्या है Mn2O3 प्लस अमोनिया प्लस वोटर, ये हमारी क्या ओवरऑल रिएक्शन हो जाए। तो यहां पर देखो गाइस, यहां पर क्या हो रहा है अमोनिया गैस प्रोड्यूस हो रही है, मीन्स गैस निकल रही है, तो गैस निकलेगी तो क्या इसको फाड़ सकती है, इसको क्या है गैस क्या है इसको डिके कर सकती है, यानी फाड़ सकती है। इसलिए क्या है जो ये जिंक आयन है, यहां से जिंक आयन, यहां से जिंक आयन, या फिर क्या यहां से जिंक आयन जो आएगा वो अमोनिया के साथ मिलके कॉम्प्लेक्स आयन बना लेगा भाई, कॉम्प्लेक्स आयन क्या बनाएगा कॉम्प्लेक्स Zn NH3
कि 4 और यहाँ पे टोटल चार्ज क्या हुआ 2 पोस्ट। तो ये जिंक क्या है, जिंक का है अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है और ये स्टोर होता जाएगा, रिवर्स नहीं होगा, ये इसके अंदर स्टोर होता जाएगा। जब हमारा क्या सारा का सारा सारे के सारे रिएक्टेंट यूज हो जाएंगे तो उसके बाद क्या होगी, रिवर्स रिएक्शन नहीं होगी, वहां पर क्या है सेल डेड हो जाएगा, वहां पर क्या है सेल काम करना बंद कर देगा। और ई सेल क्या होगी यहाँ पर 1.5 वोल्ट होती है, ठीक है। ये क्या है कॉन्स्टेंटली होते, ये क्या यानी क्या डिक्रीज होती रहती है धीरे धीरे, क्या है जो हम डिसएडवांटेज में पड़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये हमारा क्या है ड्राई सेल। उसके बाद क्या है हम करेंगे एडवांटेज और इसकी डिसएडवांटेज। फर्स्ट क्या इसकी एडवांटेज, ड्राई सेल ठीक है, इसकी एक ही बहुत ज्यादा एडवांटेज है ड्यू टू कॉम्पैक्ट साइज एंड चीप इन कॉस्ट। इट इज यूज्ड इन वेरी लार्ज स्केल इन आवर कंट्री, हमारी कंट्री में ये क्या है एक इसका साइज कॉम्पैक्ट है और दूसरा क्या है चीप है, भाई कॉस्ट क्या है इसकी बहुत कम है, इसलिए क्या है ये बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी कंट्री से। उसके बाद क्या है अब हम क्या है इसकी डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। इसी क्या है डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं हमें। इसमें क्या सबसे बड़ी क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है इसकी फर्स्ट क्या होगी भाई, हाँ does not has long life, बहुत ज्यादा लाइफ है long life and do not recharge again। उसके बाद क्या है सेकंड इसकी क्या होगी इसकी डिसएडवांटेज सेकंड क्या होगी भाई, इट डज नॉट प्रोवाइड कॉन्स्टेंट वोल्टेज। इसकी वोल्टेज कॉन्स्टेंट नहीं होती, कुछ टाइम के बाद क्या है 1.5 से कम हो जाती है 1.5 से, कुछ तो ये देखते हैं 1.32 1.5 वोल्ट, यानी कि फिर क्या धीरे धीरे क्या है इसकी वोल्टेज कम होने लगती, कॉन्स्टेंट नहीं रहती इसकी वोल्टेज। ये भी क्या है इसकी एक मेन डिसएडवांटेज है। उसके बाद क्या है सर क्या है भाई इसकी अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इज एसिडिक इन नेचर, एसिडिक होता है एंड कोरोड विद जिंक, जो जिंक कंटेनर होता है उसके साथ शायद कंटेनर इवन वहन इट इज नो पिन यूज, जब ये यूज में नहीं होता तो अपने आप ही ये क्या है इसका कोरोजन हो जाता है, जिंक कंटेनर के साथ क्या कोरोजन हो जाता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड जो यूज करते हो वो क्या होता है एसिडिक होता है पिन। और इसकी एक डिसएडवांटेज और है वो भी ध्यान नहीं होता भाई,
contains law of power. बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है, ये क्या इसकी फोर्थ डिसएडवांटेज है। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये क्या हमारा ड्राई सेल का फेस। तो आपने ड्राई सेल के बारे में इतना ही करना, थोड़े ही उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके बाद में उसकी रिलेशंस और उसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज, राइट। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट करेंगे हम मर्करी सेल। इससे नेक्स्ट क्या हुआ मर्करी सेल, वो भी कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कंटेनर इज मेड ऑफ, इसमें क्या दो तीन एक दो लाइन लिखी हुई, कंटेनर इज मेड ऑफ जिंक मर्करी एलॉय, जिंक मर्करी एलॉय, इसको अमलगम भी कहते हैं। इसको क्या है जिंक अमलगम भी कहते हैं, यानी कि कोई भी मेटल मर्करी के साथ मिल जाएगा तो अमलगम बन जाता है, जैसे सोडियम अमलगम होता है, यहाँ पर क्या जिंक अमलगम कह देते हैं। और क्या है एक्ट एज एलॉय, इसका काम करता है एलॉय का। और कैथोड इज मेड को मर्करी ऑक्साइड प्लस कार्बन और चीज दोनों से क्या है कैथोड बना सकता है, ठीक है। और क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है पेस्ट, पेस्ट मींस क्या है उसका पेस्ट बनाया होता है, उसमें क्या नमी होती है, वो मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, पेस्ट ऑफ KOH एंड जिंक ऑक्साइड जैसे है नो इट्स यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ये क्या है इसकी कंस्ट्रक्शन होगी इसकी मर्करी सेल की। अब हम क्या रिएक्शन करेंगे, अब हम क्या है इसकी रिएक्शन करेंगे, तो रिएक्शन क्या होगी इसकी एड एनोड, आपको पता क्या हुआ ऑक्सीडेशन होगी, किसकी होगी जिंक, ये जिंक की होगी एंड जिंक का ऑक्सीडेशन होगा यहाँ पर। तो ये क्या हुआ जेड एन डीएच जेड एन टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, ये हमारी क्या है फर्स्ट रिएक्शन हो जाए, क्या होगी फर्स्ट रिएक्शन। और कैथोड पर क्या होगी यानी कि एड कैथोड, कैथोड किसका बना था HCO प्लस H2O, वाटर मॉलिक्यूल आएगा पेज से जो नमी है वहां से,
और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। टू ओ एच नेगेटिव प्लस एच, यानी कि ये यहां से क्या है, इसके ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो गया, हाइड्रोजन दो हो गए, ऑक्सीजन क्या है दो हो गए, और क्या है ऑक्सीजन इधर है तो क्या है नेगेटिव हो गया, और ये क्या ऐसे नहीं हो गए, ये क्या करेगा भाई दो इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पर, क्या है प्लस टू इलेक्ट्रॉन, टू इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होगा, रिडक्शन होगा तो क्या दो इलेक्ट्रॉन होगा लेगा, तो ये क्या सेकेंड रिएक्शन होगी और यहाँ पर क्या ये रिडक्शन होगा राइट। उसके बाद क्या है जो ये दो OH नेगेटिव आयन है ये क्या है इस वाले क्या है जिंक के साथ रिएक्शन कर रहा है, किसके साथ रिएक्शन करेंगे जो जिंक आयन है इसके साथ, जिसके साथ ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं इस तरह से टू ओ एच नेगेटिव, तो ये क्या बना देंगे यहां पर जिंक ऑक्साइड प्लस H2। जैसे ये देखो फिर ध्यान से देखो इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है जिंक रिएक्शन करेगा यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, सेकेंड रिएक्शन क्या होगी जो हम क्या लेते हैं मर्करी ऑक्साइड HCO और क्या बोरोन की और दो इलेक्ट्रॉन लेकर ये क्या मर्करी अलग और क्या OH नेगेटिव अलग हो जाएगा, और ये OH नेगेटिव क्या है ये इसके साथ रिएक्शन की ये भी प्रॉपर्टी है, इसके साथ रिएक्शन करके जिंक आयन के साथ क्या बना देंगे ZnO, एक ऑक्सीजन निकल जाएगा और क्या H2 इस तरह से बना देंगे। अब ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी इसकी, यहां पर हम ले लेंगे ओवरऑल रिएक्शन, तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या होगा दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल, ये इसका प्रोटॉन मॉलिक्यूल है ये इसका यहां पर प्रोटॉन है ये कैंसिल, उसके बाद क्या है ये है ये यहां पर इसमें यूज हो गया ये सब के सब कैंसिल, तो यहां पर क्या होगा ओवरऑल रिएक्शन क्या लिखेंगे Zn जिंक प्लस HCO यूज क्या देगा Zn2 पॉजिटिव प्लस Zn2 पॉजिटिव तो यूज होगा, Zn2 पॉजिटिव तो यूज होगा राइट, तो ये नहीं लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे ये वाला Zn2 प्लस S, क्योंकि ये क्या है जिंक Zn2 पॉजिटिव इसके साथ मिलके इसने तो प्रोडक्ट बना दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा ये बचा ना, ध्यान दो इसके ऊपर जो ये इस फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था इसने फिर रिएक्शन करके इसके साथ इसके प्रोडक्ट के साथ ये बना दिया, तो फाइनल प्रोडक्ट तो हमारा ये हुआ ना जिंक ऑक्साइड, तो यही लिखेंगे हम राइट, और उसके बाद क्या है ये बच गया ये, तो ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये हो जाएगी ओवरऑल रिएक्शन और आप देख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है मर्करी सेल हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है इसकी क्या है थोड़ी सी एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज हम क्या है डिस्कस कर लेते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं, इसको क्या है नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो पोस्ट कर लो। अब देखिए इसकी एडवांटेज और क्या है डिसएडवांटेज, फर्स्ट कर लेते हैं एडवांटेज, एडवांटेज और इसकी क्या भाई वोल्टेज कितनी है टी सेल के लिए 1.35 वोल्ट और ये कॉन्स्टेंट है भाई कॉन्स्टेंट है, फर्स्ट तो क्या है सबसे पहले तो एडवांटेज यही होगी इसकी क्या है वोल्टेज इज कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होती है 1.35 जब तक चलेगा कॉन्स्टेंट ही होगी, और क्या है सेकेंड क्या होगी ये फर्स्ट होगी सेकेंड क्या होगी ड्यू टू वेरी स्मॉल साइज
it is used in large scale in small devices. Small devices. यानी कि छोटे डिवाइसेस के अंदर इस घंटा बहुत ही ज्यादा यूज होता है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या होगा? इट इज कॉम्पैक्ट वेरी कॉम्पैक्ट एंड चीप। वोल्टेज कॉन्स्टेंट, और इसकी वोल्टेज कॉन्स्टेंट क्यों होती है? क्योंकि बिकॉज यहां पे रीजन भी पूछ सकता हो आप बता देना। बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट चेंज During reactions, भाई जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज हुआ था KOH और क्या है ZNO, उसकी कंसेंट्रेशन कोई भी क्या है उसका यूज नहीं हुआ था, उससे तो मॉइस्चर ही लिया था, उसकी कंसेंट्रेशन चेंज नहीं होती है इसकी रिएक्शन में। उसके बाद क्या है प्लस ये क्या है दो तीन क्या है हमारे इसकी क्या है एडवांटेज है और क्या है उसके बाद इसकी डिसएडवांटेज क्या होगी? डिसएडवांटेज डिसएडवांटेजेस ये भी ये क्या है फर्स्ट क्या है नॉट पावरफुल नॉट सो पावरफुल बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं है बहुत ही ज्यादा पावरफुल नहीं है एंड प्रोवाइड ऐसे भी कह सकते हो एंड प्रोवाइड इट इज नॉट सो पावरफुल एंड प्रोवाइड वेरी लो वोल्टेज या फिर इसको ऐसे कह सकते हो भाई प्रोवाइड वेरी लो वोल्टेज राइट। और सेकंड क्या है नो रिचार्जिंग नो रिचार्जिंग यानी दोबारा से रिचार्ज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल में हम क्या करेंगे लेड स्टोरेज सेल। सेकेंडरी सेल में फर्स्ट हमारा कौन सा था लेड स्टोरेज सेल या फिर इसको क्या कह देते हैं लेड एक्यूमुलेटर्स, लेड एक्यूमुलेटर्स। सेकेंडरी सेल मीन्स रिचार्जेबल यानी कि जिसको क्या दोबारा से हम चार्ज कर सकते हैं। तो इसको हम एक बार इसका इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। ये वही सेल है जो ऑटोमोबाइल्स में और क्या आपके इन्वर्टर में जो बैटरी यूज होती है ये वही होती है सेकेंडरी सेल ही होता है। और ये आपको इसकी एडवांटेज आपको पता है इंडिया में बहुत ही क्या है लार्ज स्केल पे ये क्या है यूज हो रहा है ऑटोमोबाइल्स में इन्वर्टर्स में यानी इमरजेंसी लाइट्स में इसकी क्या है बहुत ही ज्यादा यूसेज है। क्यों? क्योंकि ये क्या है रिचार्ज होता रहता है अगेन एंड अगेन। इसकी क्या है चार्जिंग साइकिल बहुत ज्यादा होती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। तो ये किस उसमें बना होता एक प्लास्टिक कंटेनर में बना होता भाई। किसमें बना होता प्लास्टिक कंटेनर में। इसकी क्या कंस्ट्रक्शन बना देते थोड़े इस तरह से क्या प्लास्टिक कंटेनर में बना होता है
ये सीधे होते हैं यहां पर, इसमें जो एनोड होता है, एनोड कहेंगे, इसमें छोटे छोटे सेल होते हैं, वो जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं, छोटे सेल होते हैं वो सीरीज में जुड़े होते हैं। ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ये हम इसको हम बना देते हैं एनोड। एनोड, एनोड किसका बना होता है? स्पंजी लेड का, पीवी लेड का बना होता है एनोड, स्पंजी लेड का एनोड। उसके बाद क्या है, एनोड पे मींस नेगेटिव चार्ज, और उसके बाद क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर, ये क्या है, कैथोड। कैथोड, और कैथोड किस चीज के बने होते हैं? पीवीओ, PbO2, लेड ऑक्साइड। और यहां पर इसके अंदर क्या होता है, ग्रिड होती है, ग्रिड ऑफ PbO2, यानी कि ग्रिड जाले की तरह होती है ग्रिड, ये इस तरह से। यहां पर क्या होता है, ये देखो, ये अलग सेल है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, यानी कि ये जुड़े हुए हैं सीरीज में, ये एनोड वाले इस साइड और यहाँ के कैथोड वाले हम क्या इस साइड दिखा देते हैं, ये क्या एनोड, एनोड, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या यूज होगा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 38%, H2SO4, ठीक है 38%। तो बाकी क्या है, वॉटर एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। यहां मैंने लिखा है, नहीं तो मैं लिख सकते हो आप, एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस ही है, ठीक है। ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज हो जाता है। और इस तरह से क्या है, इसकी क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन होती है। आपको पता है ये क्या हुआ, 2H+2 में टूट जाएगा, और ये क्या है, सल्फेट SO4 2- में ये क्या है, डिसोसिएट हो जाएगा, आयन क्या डिसोसिएट। तो इस तरह से क्या हमारी इसकी क्या है, कंस्ट्रक्शन होती है। ये क्या है, एनोड। एनोड किसका बना था, स्पंजी लेड का, और क्या कैथोड क्या है, लेड ऑक्साइड, ग्रिड ऑफ लेड ऑक्साइड बोलोगे आप इसको। तो इस तरह से क्या है, ये बना होता है। और यहाँ पर क्या, रिवर्सिबल सेल है ये, यानी कि दोनों होती है इसमें रिएक्शन, एक बार चार्जिंग और एक बार डिस्चार्ज, यानी कि जब चार्जिंग होगी तब क्या होगा, ये डिस्चार्जिंग होगी तब ये एनोड होगा, और ये क्या कैथोड होगा। और उसके बाद क्या है, जब डिस्चार्जिंग होगी तो रिवर्स हो जाएगा ये, यानी कि ये किसका काम करेगा, कैथोड का, और किसका काम करेगा, एनोड का। इस तरह से इसमें रिएक्शन होते हैं। चलो हम रिएक्शन लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, हम लिखेंगे रिएक्शंस। फर्स्ट होगी ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, यानी कि जब हम यूज कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं यानी बैटरी की यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम क्या ले रहे हैं, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं, तो हम क्या है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिस, ठीक है। या फिर आप लिखो एट द यूजिंग टाइम, जिस टाइम हम यूज कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स यहां पर क्या होगी, एनोड के ऊपर क्या होगी, एट एनोड आपको होता है ऑक्सीडेशन ही होगी एनोड के ऊपर, और कोई रिएक्शन हो नहीं सकती, एनोड पर ऑक्सीडेशन नहीं होती हमेशा। क्या होगा, पीवी, एनोड पर हम क्या यूज कर रहे हैं, पीवी लेड, स्पंजी लेड, प्लस क्या होगा, सल्फेट SO4 2- इसके साथ रिएक्शन होगी, और ये क्या देगा, मैं थोड़ा छोटा बना देता हूं, क्या होगा, पीवी SO4 प्लस
टू इलेक्ट्रॉन, ये हमारे फर्स्ट ट्रिक्स में ये क्या है, दो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा और ये कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी भाई, कैथोड स्पिनिंग हो जाती है मिस्टर, कैथोड के ऊपर क्या आता है हमारा पीबीओ, पीबीओ प्लस नहीं होगा सल्फेट, सल्फेट आयन होगा प्लस फोर एक्सपोज टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन लेगा उसके बाद क्या होगा, ये क्या बनाएगा वही बनाएगा लेड सल्फेट PbSO4। अब देखो बच क्या गया PbSO4, फोर हाइड्रोजन चार हाइड्रोजन बच गए और दो ऑक्सीजन बच गए, ठीक है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन दे रखे ये ले लेगा यहां से, तो ये क्या बनेगा यहां पर प्लस 2H2 और ये भी क्या है सॉलिड फॉर्म में होगा और नीचे बैठ जाएगा, ये रिएक्शन कब होगी ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ठीक है, ये किस पर होगी एनोड पर, ये किस पर होगी कैथोड पर। उसके बाद क्या है इसके साथ साथ, देखो इसके साथ साथ लिख लो भाई, इसके साथ साथ लिख देता हूं मैं, उसके बाद क्या होगी ड्यूरिंग चार्जिंग, यानी कि चार्जिंग के टाइम क्या होगी, ड्यूरिंग चार्ज, तो ये यहां पर क्या है ये रिएक्शन रिवर्स करके लिख दो, यानी कि एनोड पर क्या होगी, ये हमारा क्या रिएक्टेंट हो जाएगा, फिर ये भी रिएक्टेंट हो जाएगा और क्या ये हमारे क्या प्रोडक्ट वापस बन जाएंगे, यही होगा, यानी कि रिवर्स करनी हमने, रिवर्सिबल में क्या होगा ये क्या हमारा रिएक्टेंट हो जाएगा, इस टाइम में जब हम चार्ज कर रहे हैं उस टाइम में ये क्या होगा ये रिएक्टेंट और इसमें ये इस साइड में प्रोडक्ट हो जाएगा। तो देखो एक बार मैं लिख के दिखाता हूं क्या है वो PbSO4, ये लेड सल्फेट था सॉलिड फॉर्म में था प्लस 2H2O किसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया इसमें PbO2 प्लस SO4 टू नेगेटिव प्लस 4H+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर देखे स्टूडेंट्स आप अपने आप ही देख सकते हो हमारे ये क्या रिएक्टेंट्स थे और वो क्या प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर क्या रिलीज हो रहा है इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है ऑक्सीडेशन, क्या होती है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहां पर होती है एनोड पर, तो ये क्या हो गई ऑक्सीडेशन और ये किस पर होगी एनोड पर, ये एनोड का काम करेगा यहाँ पर, ठीक है आप जानते हैं ये क्या एनोड का, और उसके बाद क्या कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाले रिएक्शन क्या है ये हमारा क्या PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसके बाद क्या हुआ गेन्स क्या हो गया पीबी प्लस SO4 टू नेगेटिव, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कौन सी हो गई रिडक्शन, रिडक्शन और ये कहां पर होगी कैथोड पर, एट कैथोड, यानी कि ये कहां पर होगी कैथोड पर, तो ये क्या हमारे ये दोनों रिएक्शन हो जाएंगे, ये क्या है डिस्चार्जिंग टाइम में और ये क्या है चार्जिंग टाइम में रिवर्स, और ये क्या इसलिए क्या सेकेंडरी सेल है जिसको हम क्या बार बार चार्ज कर सकते हैं, इसकी आप ओवरऑल रिएक्शन आप अपने आप लिख सकते हैं, इसके इससे ये क्रॉस हो जाएगा और कहें तो ऐड करके आप लिख सकते हैं अगर लिखना चाहो तो, अदरवाइज आपने क्या है ये दोनों रिएक्शन बतानी है, राइट। तो यहां पर देखो किस ये कौन सा काम कर रहा है, यानी कि जब डिस्चार्ज हो रहा है उस टाइम क्या दे रहा है ये केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, यानी कि कौन सा गैल्वेनिक सेल का काम कर रहा है वोल्टिक सेल वाला काम कर रहा है, और इस टाइम क्या हो रहा है यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके उसको स्टोर कर रहा है, ये कौन सा काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, किसका काम कर रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का, यानी कि क्या है दोनों सेल का काम करते हैं यहां पर ये, और इसलिए इसको क्या कहते हैं सेकेंडरी सेल्स कहते हैं इनको,
उसके बाद क्या है इसकी एडवांटेज क्या है वही हो जाएगी। एडवांटेज बहुत सारी है, लार्ज स्केल पे यूज होता है ये, और क्या इसकी लॉन्ग लाइफ होती है। और इसी क्या ई नोट सेल क्या होगी भाई, ई सेल क्या होगी, यहाँ पर हम करते हैं 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो 6 में इसमें करोगी 2 × 6 यानी के 12 वोल्ट होती है, 12 वोल्ट होती है इसकी वोल्टेज क्या है 12 वोल्ट। इसको एक और जोड़ दो सीरीज में कितनी हो जाएगी 24, यानी कि इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। वो आपको पता है सिंपल सा एक मेथड है, ठीक है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट हम करेंगे निकल कैडमियम सेल, जो क्या है वो तीजी और छोटा सा पार्ट है, राइट। तब तक क्या है इसको लिख लीजिए और इसको रिवाइज कीजिए।